ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के अमेरिका एयर स्ट्राइक में मारे जाने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और जंग के हालात बने हुए हैं। ऐसे में भारत ने भी अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने शुरू कर दिया है। खाड़ी क्षेत्र में तैनात भारतीय युद्धपोतों को हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने खाड़ी में पहले से ही इन युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। हालांकि ये युद्धपोत जंग लड़ने के मकसद से नहीं बल्कि भारत के समुद्री व्यापारिक मार्ग को कारोबारियों के लिए सुरक्षित बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है। खाड़ी में युद्धपोत की तैनाती को लेकर नेवी की तरफ से कहा गया है कि ऐसा समुद्री रास्ते से हो रहे व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है और दोनों देशों के हालातों पर करीब से नजर रखी जा रही है। नेवी की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारतीय नौसेना खाड़ी क्षेत्र में हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समुद्री मार्ग से होने वाले कारोबार और भारतीय फ्लैग मर्चेंट वेसल्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस इलाके में नौसेना मौजूद है। बता दें कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान सैन्य जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद से जिस तरह अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में मोदी सरकार ने अमेरिका और ईरान के तनाव के प्रभाव को रोकने के लिए समंदर में अपनी सुरक्षा को बढ़ा दी है।